मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। देखिए, जीवन जो कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही नायाब है, ये जीवन जो एक परमात्मा की देन है, एक किताब की तरह है, इसके पहले पन्ने पर जन्म लिखा जाता है, आखिरी पन्ने पर मौत लिखी जाती है। बीच के जो खाली पेज जो है उन पे क्या लिखना है वो हमारे ऊपर निर्भर करना है। उसमें अच्छी बातें लिखनी है, अपने जीवन को अच्छी बातों से भर देना है या खराब। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें क्या करना है। देखिए, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी आपको समझाने के लिए। एक ज्वेलर था, उसके पास एक बहुत ही बड़ा हीरा था। एक बार उसने सोचा अब क्या करना है, इसे बेच के आना चाहिए। उसके पिता के टाइम का था, बेटा दो था, ज्वेलर बन गया था। वो मार्केट में गया कि कोई इस हीरे को खरीदे, लेकिन मार्केट में सबने यही कहा, हम तो इसे खरीद नहीं सकते, इसे तो खाली इस देश का राजा ही खरीद सकता है। अब वो ज्वेलर जो था, जो बेटा था, वो राजा के पास गया कि महाराज आप ये हीरे को खरीदने की कृपा करें। महाराज ने कुछ रेट बताया कि इस हीरे, लेकिन उसने कहा नहीं, इतने में तो हीरा आ ही नहीं सकता। आप राजा ने अपने जो वजीर थे उनसे बात करी कि हीरा तो मुझे कैसे बेचिए। तो वजीर ने दिमाग लड़ाया, उस ज्वेलर को बुलाया, कहा कि ऐसा करते हैं, कल सुबह 6 बजे सूर्य उदय से लेके शाम को 6 बजे तक सूर्य अस्त तक हम महल के चारों तरफ के दरवाजे खोल देते, आप महल में से जो भी लेके जाना चाहे आप लेके जा सकते हैं। आप मतलब कुछ भी, सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, ये उसके बाद, ये 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद वो हीरा हमारा हो जाएगा। वो ज्वेलर बहुत ही खुश हुआ, वो जाके अपने घर में सो गया। रात भी बड़ी मुश्किल से उसकी गुजरी। उसने कहा सुबह उठ के मैं तो महल में जाऊंगा, जो मेरा दिल करेगा महल में से ले लूंगा। अब सुबह हुई, वो तैयार वैर होके अपने अपनी पत्नी को बोल के अपने महल में चला गया। जैसे वो महल में पहुंचा, उसने क्या करा, उसने देखा, पहले ही कमरे में गया, उसके चारों तरफ के दरवाजे तो खुले हुए थे। उसने देखा इतने रंग बिरंगे, इतने सुंदर सुंदर राजसी पोशाकें जो थी हैंगरों में टंगी हुई थी अलमारियों में, उसने वो पोशाकें पहननी शुरू करी। एक के बाद एक पोशाकें बदलता चला गया। पहले उसने कहा मजा आ गया, ये तो राजा की पोशाकें हैं। इसमें 2-4 घंटे निकल गए। उसके बाद दूसरे कमरे में गया, एक से एक व्यंजन, इतने स्वादिष्ट भोजन जगह 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 रखे हुए थे, उसको खाने में रख दिया, जितना खा सकता था खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। अब उसका पेट पूरा अच्छी तरह फुल हो गया। तो उससे साथ वाले कमरे में गए, देखा बहुत ही सुंदर मुलायम बिस्तर बिछा हुआ। तो उसने कहा तो समय बिछाए तो बचाए, थोड़ा सा विश्राम कर ले, तो फिर अपना सामान बटोर के चलेंगे शाम के टाइम। वो उस बिस्तर पे जैसे ही सोया उसे नींद आ गई। अब देखे सूर्यास्त हो चुका था, दरबारियों ने आके उस व्यक्ति को उठाया। उठ उठ उठ, उसने कहा मुझे तो अभी सामान बटोरना है, लेकिन उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। जो समय सीमा तेरे को दी गई थी, ज्वेलर को बोला गया, उसमें तूने कुछ नहीं लिया, अब तू बाहर निकल। अब आपको ये बात समझ आई, जैसे मैं वही कह रही हूँ, भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, जन्म दिया है, और जब निश्चित समय होगा हम धरती से, भगवान हमें ले जाएंगे, हमें इस धरती से भेज दिया जाएगा। तो हम सारी जिंदगी खाने में, कपड़े बटोरने में, कपड़े पहनने में, अपने आवश्यकता की चीजें बटोरने में लगे रहते हैं, सोते रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे जन्म हुआ है और मृत्यु भी आ जाए और हमारा जीवन खत्म हो जाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, जो खाली पन्ने उसको भर लें, अच्छे कर्म करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, और कुछ जिंदगी में आए हैं तो करके जाएं। So that's it for this video. We will meet you in next one. Please like this video and subscribe to our channel. Fearless.